कोरोना महामारी के दौरान बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने सवाल उठाए हैं। हमीरपुर में कुलदीप पठानिया ने गत दिनों स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी के द्वारा किए गए घोटाले के बारे में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले से प्रदेश शर्मसार हुआ है और ये सब प्रदेश की बीजेपी सरकार की ढील का नतीजा है। पठानिया ने कोरोना बीमारी के दौरान हुए इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच के साथ आरोपी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। ये बहुत दुख की बात है कि दुनिया में, देश में और प्रदेश में लोग इससे परेशान हैं, चिंतित हैं। ऐसी महामारी है कि इसको खत्म होने के लिए समय लगेगा, कि लेकिन हमारे जो अधिकारी और वर्तमान सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो इसके पीछे भी अपना घर और अपना पेट भरने के प्रयास में लगे हुए हैं, जो सरासर बहुत गलत है। और एक ट्रैक्टर नहीं इसमें शामिल है, ये तो बहुत बड़े एक कॉक्स होंगे। इसके लिए मैं, हम और हमारी पार्टी ने भी इसके ऊपर विरोध किया है और हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो और जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों के जो है वो जिंदगी को बचाने के लिए दूसरा कोई ऐसा कार्यवाही करे। वहीं पठानिया ने सीएम के क्वारंटीन डेस्टिनेशन बनाने के बयान पर भी चुटकी ली है। पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा कोरोना बीमारी के दौरान क्वारंटीन डेस्टिनेशन बनाने का बयान हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना के मामलों को कंट्रोल करने के लिए काम करना चाहिए, ना कि इस तरह की फ्यूल के बयानबाजी देने में। बड़ी अजीब बात है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के जो प्रदेश लोगों को सैलानियों के लिए मशहूर था, लोग अपने भीड़ भाड़ के इलाके से निकल के या वहाँ की तंग हाली में निकल के जो इस प्रदेश में अपने सुकून लेने आते थे, अगर उनको अगर कोरोना का हबराने लगे हैं तो मैं समझता हूँ या तो मुख्यमंत्री ने नदानी में कह दिया होगा या फिर इसको नदानी में कहा होगा या कहने के लिए अगर उन्होंने कहा होगा तो बड़ी गलत बात है। ये प्रदेश जो सैलानियों के लिए रहे, देव भूमि है, देवताओं की भूमि में इस तरह के कार्यक्रम जो वो ठीक नहीं है। राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक बयान देने के बजाय हमारे मुख्यमंत्री जो दिन प्रतिदिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें और उस पर लोगों को राहत देने का प्रयास करें। कुलदीप पठानी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा पहला लॉकडाउन षड्यंत्र के तहत लगाया गया है और लॉकडाउन के दौरान चाइना के लोगों को देश में लाया गया, जो कि बहुत ही गलत निर्णय था। उन्होंने कहा कि कोरोना की बीमारी बढ़ने पर लोगों को घर भेजा जा रहा है, जो कि समझ से परे है। कोरोना चल रहा है, इसमें तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो गंभीरता का तो प्रश्न ही नहीं है। ये तो पहले दिन जो लॉकडाउन हुआ वो भी एक राजनीति स्टंट के तहत हुआ है। उस वक्त हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कोरोना के कोई बड़े केस नहीं थे। अपने लोगों को वहाँ लॉकडाउन कर दिया और चाइना के लोगों को जहाजों के माध्यम से अपने देश में लाते गए। जब कोरोना चरम सीमा पे शुरू हो गया तो अब लोगों को घर भेज रहे हैं। अब इसमें ये कितने इसमें कोरोना के लिए ये सरकार केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसके ऊपर इन्होंने कोई तो राजनीति करने के चक्कर में ये उससे चक्कर में फंस गए।